सियाल परियोजना में चल रहे आउटसोर्सिंग में लोकल सेल चलाने को लेकर प्रबंधन के द्वारा स्थानीय सौदा बस्ती के ग्रामीणों के साथ एक सभा की गई, जिसमें सियाल परियोजना में जल्द से जल्द लोकल सेल चालू करने पर बातचीत हुआ। पूर्व में ही परियोजना प्राधिकारी के द्वारा ग्रामीणों को यह कहा गया था कि सभी ग्रामीण एकजुट होकर एक समन्वय बनाकर आप हमें सूचित करें, इसके बाद सियाल में लोकल सेल चालू करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पर आज की बैठक के अवलोकन से यह प्रतीत हुआ है कि ग्रामीणों में अभी तक समन्वय नहीं हो पाया है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और इसके कारण लोकल सेल पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। ग्रामीणों के द्वारा प्रबंधन से समन्वय बनाने के लिए और 2 दिन का समय मांगा गया। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। आउटसोर्सिंग PSME माइन के द्वारा चलाई जा रही है। ग्रामीणों का यह डिमांड था कि रोड सेल चालू करने हेतु उचित कार्रवाई प्रबंधन द्वारा किया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने आज की बैठक जो है, जो हमारे सौदा बस्ती के हमारे भाई साहब हैं, जो भाई हमारे जिनकी जमीन गई है, उन लोगों के माध्यम से एक कोयले का उत्पादन होता है, उसी क्रम में उन लोगों को सुचारू ढंग से रोड सेल चलाने हेतु बैठक बुलाई गई थी। आज बैठक में यह निर्णय हुआ कि समन्वय अभी बना नहीं है, हमें 2 दिन का समय और दिया जाए, समन्वय बना के तुरंत प्रबंधन को सूचित करेंगे। अंदर से जाके दिखाओ। देखिए, परियोजना पदाधिकारी के तरफ से एक हम लोग को सूचना दिया गया था तमाम सौदा बस्ती ग्रामीणों को बैठक के लिए। किस लिए बैठक की? बैठक सेल के सवाल पर, सियाल प्रोजेक्ट में जो आउटसोर्सिंग चल रहा है उसके सेल के सवाल पर बैठक बुलाए थे। और यहाँ तमाम, यहाँ करीब हम समझते हैं कि करीब 250-300 हमारे ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं, और परियोजना पदाधिकारी के तरफ से हमको जहाँ तक लगा सेल संबंधित किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं है, वो हमारे ग्रामीण के पक्ष में है। हमारे ग्रामीण की ओर से जो सहमति बनना चाहिए वो सहमति यहाँ उभर करके बन नहीं पाया। फिर 2 दिन के समय हम लोग परियोजना पदाधिकारी से मांगे हैं, उन्होंने 2 दिन के समय दिए हैं। कल हम लोग आपस में गांव में बैठ करके सहमति बनाकर और फिर पुनः हम लोग परियोजना पदाधिकारी को सूचना देंगे, उसके बाद सेल का संचालन होगा। पहले भी आप लोग बैठकर यहां पर समन्वय अपना बनाए थे गांव में, क्या हुआ? पहले जो समन्वय यहां बनाया गया था वो समन्वय संतोषजनक नहीं हुआ। फिर से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन करके कुछ उधार करे कुछ इधर करे, वो समन्वय नहीं बनने के कारण आज फिर भी वही स्थिति में आ गया है, क्योंकि हम समन्वय, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम तमाम ग्रामीण की ओर से कि हम लोग कल हर हाल में समन्वय बनाकर और परियोजना पदाधिकारी को हम लोग सूचना दे देंगे, ताकि वो समय तक बद तरीके से सेल को चालू करे।